आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वालों की होड़ सी लगी हुई है। कालका विधानसभा क्षेत्र में भी आम आदमी पार्टी का कुंबा लगातार बढ़ता जा रहा है। कालका विधानसभा क्षेत्र में समाज सेवी घनश्याम टगरा ने आप नेता रंजीत उप्पल के नेतृत्व में हरियाणा प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता की उपस्थिति में आम आदमी पार्टी की टोपी पहनकर आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर बोलते हुए आम आदमी पार्टी नेता रंजीत उप्पल ने कहा कि आम आदमी पार्टी को ऐसे समाज सेवियों की सख्त जरूरत है जो देश और समाज की सेवा में दिलो जान से जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि घनश्याम टगरा का आम आदमी पार्टी में स्वागत है और उनको उन्हें पूरा सम्मान मिलेगा। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे सुशील गुप्ता ने घनश्याम टगरा एवं उसके समर्थकों को टोपी डालकर आम आदमी पार्टी में स्वागत किया। वहीं दर्जनों महिलाओं ने भी आम आदमी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि के तौर पर योगेश्वर शर्मा, सुरेंद्र राठी, समाज सेवी वैद चौधरी, बलवान ठाकुर पहुंचे। हरियाणा प्रभारी डॉक्टर सुशील गुप्ता ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वालों को आश्वासन दिया कि उनको पूरा मान सम्मान मिलेगा और आम आदमी पार्टी की कुरुक्षेत्र में होने वाली आगामी रैली के लिए सभी को न्योता दिया। इस मौके पर स्वर्ण सिंह, सुभाष, हसनैन, अंजू, देशरी ढिल्लो, राकेश शुक्ला, पूनम शुक्ला, विभा मिश्रा एवं सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता एवं लोग मौजूद रहे। मैं कोई ज्यादा स्पीच नहीं करनी, मैं कोई ज्यादा नहीं बोलना। साढ़े डॉक्टर साहब तीन चार महीने तो लगातार पूरे हरियाणे में दिन रात इतना काम कर रहे हैं कि आज इनके पास टाइम नहीं है। जब हम टाइम लेते हैं तो 15-15, 20-20 दिन हमें बेटे में रखना चाहता पड़ता है। हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर सीतामा गुप्ता जी बहुत मेहनती हैं, आम आदमी पार्टी के बहुत बड़े लीडर हैं, जुझारू लीडर हैं, जिन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए इतना हार्ड वर्क किया कि आज एक एक गांव में जाके, तहसील में जाके और विधानसभा में जाके इनके प्रचार को सुनने के लिए लोग आते हैं। आज घनश्याम टगरा जी जो एक समाज सेवी सन वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन करना जा रहे हैं। मैं उन्होंने भी बहुत बहुत स्वागत करता है कि वो डॉक्टर साहब को आम आदमी पार्टी की अब टोपी पवाएंगे और आम आदमी पार्टी को मजबूत करेंगे। विधानसभा हल्का कालका के लिए इन्होंने पिछले दौरान इलेक्शन लड़ी सी, जो भी इलेक्शन इन्होंने लड़ी सी वो लगभग जीत गए सी, पर सरकार ने धक्के नाल रिकॉर्डिंग करवा के इन्होंने कोई वोटों के लिए हरा दिता सी। घनश्याम टगरा जी हमेशा समाज सेवी ने और लोगों की भलाई वास्ते काम करते ने और हमेशा हाजिर रहते ने। और थोड़े दिन हो गए सी मैं इन्हां दे नाल सी गड्डी दे विच, किसे माता ने इन्हां नूं फोन कीता कि मेरे घर कूलर नहीं है। घनश्याम टगरा जी ने उन्हां नूं अपने घर तों कूलर चकाता मेरे सामने। बहुत वड्डी गल हुंदी है जदों असीं समाज सेवा करदे हां सानूं बहुत मेहनत करनी पैंदी है। घनश्याम जी दिन रात काम करते ने, किसे दा आईडी कार्ड बनना होवे, किसे दा राशन कार्ड बनना होवे, किसे नूं किसे टाइम दी जरूरत है, घनश्याम जी हमेशा हाजिर रहिंदे ने। उन्हां दे नाल बहुत वड्डे समाज सेवी साडे वैद चौधरी जी ने जिहड़े हमेशा ही लोगों की सेवा दे विच हाजिर रहिंदे ने। मैं इन्हां दा भी बहुत बहुत धन्नवाद करना चाहुंदा है जिन्हां ने अज आम आदमी पार्टी ज्वाइन कराई, ज्वाइन करके और विधानसभा हल्का कालका दे विच
विधानसभा की इलेक्शन हरियाणा में होगी और वो अपनी पहली वोट आम आदमी पार्टी को पाएगा। दिल्ली और पंजाब की तरह हरियाणा में भी 24 घंटे बिजली और फ्री बिजली मिली।